नमस्कार, सारे राजाओं को राजा बनना है। चलें इसी मुहिम के साथ स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किसी एनवायरनमेंट को कैसे सिंक किया जाता है ताकि वो एनवायरनमेंट किसी को और दिया जाए। अच्छा, सही समझे कि वो प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ जाए या वो प्रॉपर्टी बिक जाए, क्योंकि हम वास्तु के फील से ही हैं। तो ऐसी कुछ एनर्जीज होती होंगी जिस वजह से किसी को वो प्रॉपर्टी पसंद आती है और वो प्रॉपर्टीज बिक जाती हैं या किराए पे चढ़ जाती है। तो आज का टॉपिक है कि कैसे प्रॉपर्टी को किराए पे चढ़ाया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कैसे किसी प्रॉपर्टी को बेचा जा सकता है जो आपकी खुद की है या फिर किसी क्लाइंट की है, या फिर उसे किराए पे चढ़ाया जा सकता है। अब किसी, आप ऐसे समझिए कि किसी ने बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन किया है तो वो कुछ एरियाज उसमें से बेचेगा। मॉल है, कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, तो कुछ एरियाज वो उसमें से बेचेगा या कुछ एरियाज वो उसमें चढ़ाएगा किराए से। तो इसी को लेके मैंने जब इस विषय में जब रिसर्च करी तो मुझे कुछ देवता इसमें कनेक्ट हुए। आज उन्हीं देवताओं को लेके मैं अपने एक राय आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि कभी किसी प्रॉपर्टी को जब आप बाय करते हैं तो कुछ ख्याल आपको आते होंगे, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो अट्रैक्ट करती हैं उस प्रॉपर्टी को खरीदने में या अट्रैक्ट करती हैं कि उससे दूर हो जाने में। ऐसी कुछ तो बात होती होगी, तभी आप किसी प्रॉपर्टी को पसंद करते हैं। उसी में से एक राय या एक जो थॉट आता है, एक थॉट आता है दिमाग में कि क्या ये वो प्रॉपर्टी है जो मैं खोज रहा हूं, है ना? ऐसा एक क्वेश्चन आता है ना दिमाग में, क्या ये वो प्रॉपर्टी है या ये वो राइट सॉल्यूशन है मेरी नीड्स का जो मैं चाहता हूं अपनी जिंदगी में। तो याद कीजिए, मैंने कई बार इस बात को कहा है, जो सॉल्यूशन प्रोवाइडर है वो है आपवस। आपवस, आपवस नॉर्थ ईस्ट की एक एनर्जी फील्ड है जिसे आपवस कहते हैं। तो पहले क्वेश्चन का क्या आंसर हुआ कि क्या ये वो राइट सॉल्यूशन है जो मैं चाहता हूं अपनी जिंदगी में। तो अगर ये इम्बैलेंस होगा तो क्लाइंट सीधा बोलेगा, यार ये अपने पसंद की प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्रॉपर्टी मुझे नहीं चाहिए। आपने कुछ आइडिया ग्रैब करने की कोशिश करी कि कैसे मैंने कोरिलेट किया इन 45 शक्तियों के साथ? वैसे ही एक और छोटी सी इंसाइट दे रहा हूं, कुछ देवताओं को कनेक्ट कर रहा हूं जो देवता मैंने ऑलरेडी अपने इन वीडियोस में बताए हैं। आप चाहें तो पुराने वीडियोस के लिंक निकाल के या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कुछ लिंक्स दिए हुए हैं, उन वीडियोस को फिर से देखिए। अब इसी के साथ जब हम जाते हैं किसी प्रॉपर्टी को बाय करने के लिए तो हम सोचते हैं, हम जो समझते हैं, हम कहते हैं ना कि कहीं कोई हमें यहां पर देखेगा तो दुनिया हमें क्या सोचेगी। क्या हमें कोई देखेगा तो दुनिया हमारे बारे में क्या सोचेगी? हम सोचते हैं ना, किसी प्रॉपर्टी को परचेज करते हैं, किसी घर को परचेज करते हैं या किराए से लेते हैं तो हम ये कहते हैं ना कि अगर किसी और ने हमें यहाँ देखा तो क्या लगेगा उसके मन में। तो देखा देखा देखा, मैंने बहुत बार इस बात को कहा कि देखने का जो पावर है वो साउथ ईस्ट गवर्न करता है, और आकाश एक ऐसी एनर्जी फील्ड है जो किसी व्यक्ति को महसूस कराती है कि ये बहुत लार्जर देन लाइफ इक्वेशन जी रहा है, बहुत लार्जर देन लाइफ। तो किसी ने कहा कि यहां पर ये वो एहसास नहीं हो रहा जो मैं इसे बाय करूं, वो ट्रिगर नहीं दब रहा जो मैं इसे बाय करूं, तो आकाश की तरफ ध्यान दीजिए। आकाश के बारे में अभी कुछ वीडियोस में डिटेल नॉलेज नहीं है, मैं आगे चल के एक्सप्लोर कर दूंगा इस नॉलेज को भी, क्योंकि मैं चाहता था इसे पूरा कनेक्ट कराना, एक प्रॉपर्टी को कैसे बेचा जा सकता है या किराए से जा सकता है, तो मैंने कुछ देवता इसके अंदर कंसिडर किए। वैसे ही एक थॉट आता है, क्या यहां पर मुझसे मिलने जुलने वाले लोग आ पाएंगे? एक थॉट आया हमारे दिमाग में, हमने कोई प्रॉपर्टी ली, कोई दुकान ली, तो हमारे दिमाग में ये थॉट आता है कि लोग हमें मिलने जुलने वाले आ पाएंगे। तो मिलने जुलने वाला जो प्रॉपर्टी में जो देवता है जो मिलावट कराता है वो है आर्यमा। अगर आर्यमा की पोजिशन में वॉशरूम्स हैं या कोई सामान पड़ा हुआ है या रॉ मटेरियल पड़ा है ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन की पोजिशन में, तो उसका वो बंद हो जाएगा वो थॉट आना कि लोग मुझे मिलने जुलने आ पाएंगे। वैसे ही एक और थॉट आता है कि ये मैं अपने दोस्तों के बीच में बताऊंगा कि मैंने ये चीज ली है तो क्या लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे। जैसे ही ये थॉट आता है कि मैं अपने जानने वालों को बताऊंगा, वैसे ही आपका ध्यान मित्र की तरफ जाना चाहिए। मित्र की तरफ जैसे ही जाएगा, एक प्रॉपर्टी को आप संपूर्ण तरीके से सोचने लग जाओगे।
वैसे ही कुछ और भी थॉट्स आते हैं, क्या ये सिक्योर है, क्या इसमें मेरी लाइफ की ग्रोथ आएगी, ऐसी खूब सारी बातें हैं जो हम एक प्रॉपर्टी को परचेज करते के समय में उपयोग करते हैं। धीरे से, दूर से और आने जाने वाले मेरे वीडियोस को देखते रहिए, आपको इसके अंदर बहुत सारे क्लूज मिलेंगे कि कैसे देवता रीस्टैब्लिश करते ही ऑटोमेटिकली एक प्रॉपर्टी बिक जाती है। इसमें भी मैंने काफ़ी सारे इंसाइट शेयर किए हैं, पसंद आए तो लाइक कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने कमेंट जरूर रखिए। तो राजा बनना है तन मन धन से। नमस्कार।